नमस्कार, मैं मीरा आप सभी का अपनी YouTube चैनल प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत प्रसिद्ध झेन कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। जापान में एक सम्राट हुए। वे एक झेन फकीर को बड़ा मानते थे। वे अपने राजकीय कार्यों के लिए अक्सर उनसे सलाह मशवरा लिया करते थे। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें सूचना दी कि पड़ोसी राज्य उन पर हमला करने वाला है, तो राजा ने सोचा कि क्यों ना झेन फकीर से इसके बारे में विचार विमर्श कर लिया जाए। उन्होंने अपना रथ निकलवाया और फकीर के आश्रम के लिए निकल पड़े। आश्रम पहुंचकर राजा ने देखा कि फकीर तो वहां पर उपस्थित नहीं थे, परंतु उनका एक शिष्य जरूर था। तो राजा ने उस शिष्य से पूछा कि फकीर कहाँ पर है। शिष्य ने बताया कि फकीर तो पास के ही खेत में काम करने के लिए गए हुए हैं। आप जरा बैठिए, मैं उनको अभी बुलाकर लेकर आता हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं टहल लूंगा, तुम बुला लाओ। शिष्य ने सोचा कि जमीन पर बैठने में शायद राजा संकुचा रहे हैं, तो उसने उनके लिए एक चटाई बिछा दी और फिर से बैठने के लिए आग्रह किया। राजा ने फिर यही उत्तर दिया कि नहीं नहीं, मैं टहल लूंगा। शिष्य ने सोचा कि शायद चटाई पर बैठने पर भी राजा संकुचा ही रहे हैं, तो उसने उनके लिए एक चारपाई बिछाई और फिर से आग्रह किया और कहा कि महाराज आप इस चारपाई पे बैठ जाइए। अभी भी महाराज का यही उत्तर था कि नहीं नहीं, ठीक है, मैं टहल लूंगा, तुम जल्दी जाओ और फकीर को बुला कर लेके आओ। सम्राट और हम सब जिंदगी भर टहलते ही तो रहते हैं, मन की बेचैनी हमें बैठने कहाँ देती है। शिष्य फकीर को लेने खेत पर गया और वापस आते हुए उसने अपने गुरु से कहा कि मुझे तो राजा का यह व्यवहार बड़ा अजीब लगा। मैंने उन्हें बार बार बैठने का आग्रह किया, उनके लिए चटाई बिछाई, उनके लिए चारपाई बिछाई, परंतु फिर भी वे नहीं बैठे, यही बोलते रहे कि मैं टहल लूंगा। इस पर फकीर हंसने लगे और बोले कि वे तो सम्राट हैं, वे साधारण आसन पर नहीं बैठेंगे, वे तो सिंहासन पर ही बैठेंगे। फकीर ने अपने शिष्य को समझाया कि हर इंसान के अंदर उसी परम तत्व की सत्ता है, हर इंसान उसी परम तत्व का ही अंश है, इसीलिए शूद्र से कभी संतुष्ट नहीं होता। मकान, दुकान, कारोबार, किसी में भी संतुष्टि नहीं मिलती, कुछ भी उसके योग्य नहीं है, बेचैनी बनी ही रहती है, मन टहलता ही रहता है, जब तक कि उसे उपयुक्त सिंहासन ना मिले, ध्यान ना सधे, भक्ति ना रमे। आज के लिए बस इतना ही।